loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my latest video. There is a man named Mohit Kakkar. इन्होंने मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ कहा या पूछा, आई डोंट नो, बट उनके उस कमेंट को देखकर मुझे ये आइडिया आया कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए. सो ही डिडंट एक्चुअली सजेस्ट दिस टॉपिक, बट स्टिल थैंक्स मोहित. और जब बात आती है प्रपोज़ल रिजेक्ट करने की, तो ये चीज़ गर्ल्स के लिए थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि कंपेयर टू बॉयज़ गर्ल्स को ज़्यादा प्रपोजल्स आते हैं, कुछ जेन्युइन और कुछ ऐसे ही. तो इसलिए वो उतना ध्यान भी नहीं देती हैं, वो एक फेयर पर्सपेक्टिव से मना कर देती हैं कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए. आई मीन कम ऑन, यू कांट फोर्स योर हार्ट टू लव समवन. बट फिर भी ये चीज़ बॉयज़ के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि कोई लड़की आकर खुद उन्हें अप्रोच करे, प्रपोज करे, ये बड़ी बात है बिकॉज इट्स रेयर. तो कोई तो स्ट्रांग फीलिंग्स रही होंगी जो हर सोच को साइड पे रखकर उसने आकर आपको अपने दिल की बात बताना ज़रूरी समझा. और फिर कहते हैं कि बॉय ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बट नो, वो बहुत सोचते हैं एंड दे नो हाउ डज़ इट फील व्हेन यू गेट रिजेक्टेड बाय समवन यू लव. और इसी वजह से कई बार वो फोर्सफुली रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, बट रिज़ल्ट होता है फेल्ड रिलेशनशिप. तो जो इतनी सारी मुश्किलों को आसान करे वो मैं हूँ. Watch this video till the end, and if you would like to be part of my YT fam, you can follow these steps. Click here to subscribe and press the bell icon, then you will never miss my new update. Number 1, don't ignore her. जब हमें पता चलता है कि कोई हमें डेट करना चाह रहा है और हमारे मन में उसके लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है, तो हम उससे थोड़ा दूर दूर भागने लगते हैं, उससे कम बात करने लगते हैं और इग्नोर करने लगते हैं. और ये चीज़ उनको समझ में आती है. तो अगर आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते हो, तो ये बात ध्यान में रखिए कि उनके मुंह पे बोलकर मना करो या ऐसे चुप रहो, दोनों ही चीज़ें उन्हें इक्वली हर्ट करेंगी. तो आई मीन खुद ही सोचो ना, डाइनिंग टेबल पे एक न्यूट्रेला का जार रखा हुआ है और आप उसको देख देख के निकले जा रहे हो कि हाँ रखा है, खाया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया. बट जब वही जार कोई छुपा देता है तो वी स्टार्ट क्रेविंग फॉर दैट. सॉरी फॉर गिविंग सच अ बैड एग्जाम्पल, बट वी गर्ल्स फील सेम. जिसे हम पसंद करते हैं वो इंसान हमें इग्नोर करे, तो हम उससे दूर होने के बजाय उसी की तरफ हो जाते हैं कि वाई ही इज़ इग्नोरिंग मी, ही कांट इग्नोर मी, आई वोंट लेट हिम इग्नोर, ऐसे. नंबर 2, डोंट कन्फ्यूज़ हर बाय योर एक्शंस. गर्ल्स जब किसी को पसंद करती हैं तो वो इतनी एक्साइटेड हो जाती हैं कि उनको प्रपोज़ करने के पहले ही वो ऐसे बिहेव करने लगती हैं जैसे उनकी गर्लफ्रेंड है. एंड बॉयज़ भी छोटी मोटी तो बातें करके अग्री करते जाते हैं, और वो कन्फ्यूज़ होती जाती है कि शायद ये भी मुझे लाइक करते हैं, मतलब पसंद करते हैं. आप उनको नो नहीं कहना चाहते हो, दैट्स फाइन, मत कहो. बट डोंट आंसर लाइक पता नहीं, शायद, मे बी समडे. सपोज़ उसने आपको डिनर के लिए पूछा, लाइक सिर्फ तुम और मैं, तो ये डिनर नहीं, डिनर डेट होता है. तो आप उनसे कहिए कि हाँ मेरा मन नहीं है, तुम जाओ, अकेले जाओ, होकर आओ, इन्जॉय. तो हो सकता है वो कहे कि अकेले जाओ, वैष्णो देवी है जो मैं होकर आऊँ. तो आप कहिए कि एग्जैक्टली घूमने नहीं जा रही हो कि किसी के भी साथ चली जाओ, इट्स डिनर डेट एंड यू शुड गो विथ योर गाय एंड आई एम नॉट योर गाय. नंबर 3, यू कैन गिव हर ऑब्वियस एक्सक्यूजेस. स्टूपिड ऑब्वियस एक्सक्यूजेस, जिसको सुनकर वो हर्ट तो नहीं होगी लेकिन उसे समझ में भी आ जाएगा कि आप क्या सोच कर वो कह रहे हो. तो पहली चीज़ तो ये कह सकते हो कि वो तुम्हारा चेहरा तो मेरी बहन से मिलता है, हाउ कैन आई मैरी यू, दिस इज़ ऑब्वियस झूठ. एंड वो ऑब्वियसली कहेगी कि मुझे फ़ोटो दिखाओ अपनी बहन की, तब कुछ बहाना बना देना या उसकी फ़ोटो ऐसे क्लिक करके उसी को दिखा देना कि अब भाई उसका चेहरा तुमसे मिलता, तुम्हारा उससे मिलता, उसकी फ़ोटो दिखो, खुद की फ़ोटो दिखो, एक ही बात है. सेकेंड एक्सक्यूज़ मोस्टली लड़कियाँ बोलती हैं कि मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा. मजाक कर रही हूँ, ऐसे मत बोलना. सेकेंड एक्सक्यूज़ है, तुम्हें हाँ कहने के मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन ना कहने का बस एक ही रीज़न है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं. अब ये मत कहना कि प्यार का क्या है, वो तो दो लोग साथ रहते हैं तो हो ही जाता है, क्योंकि तुम कोई पपी या पेट नहीं हो कि जिसके साथ मैं 10 दिन रहूँ और मैं उससे अटैच हो जाऊँ या उसे प्यार करने लगूँ. यू आर अ गर्ल एंड यू डिज़र्व अ गाय जो जेन्युइनली तुम्हें चाहे. और थर्ड एक्सक्यूज़, अगर मैं तुम्हें हाँ कहकर सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप में आ गया क्योंकि तुम में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं या तुम इतनी अच्छी हो या तुम में इतने गट्स हैं कि तुमने मुझे आकर प्रपोज़ किया, तो ये बहुत गलत होगा. मतलब, और अगर मैंने ये गलत किया तो मतलब मैं सही इंसान नहीं हूँ और तुम्हें गलत इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए. नंबर 4,
make it clear by your words. जहाँ पे excuses काम नहीं आते वहाँ पे honesty काम आती है. So try to make her understand कि मैं तुम्हारे साथ relationship में नहीं आना चाहता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे किस चीज़ में बेहतर हूँ या तुम मुझसे कम हो या तुम मुझे पसंद करती हो लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ऐसी भी कोई बात नहीं है. It's just that you are a beautiful blue but my color is sky blue. तो जब मैं इन दो खूबसूरत रंगों को कंपेयर नहीं कर सकता तो मैं कैसे किसी भी तरह से अपनी लाइफ की गर्ल को सेलेक्ट या रिजेक्ट करूं? आई मीन आई डोंट हैव एनी राइट टू डू दैट बट यू आर नॉट माय गर्ल एंड इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ. नंबर 5, इफ़ शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड ब्रोज़ोन हर. आपके प्यार और परवाह को अगर वो उस तरह से लेने लगी है या आपको पसंद करने लगी है तो अब आपका बर्ताव ही है जो उसके सर से ये फितूर उतार सकता है. तो मेक इट क्लियर दैट यू गाइज हैव भाई भाई वाला रिलेशन. कॉल हर ब्रो, जो तो यार है मेरा, जो प्रिय दोस्त है, ऐसी बातें बोलो तो फिर उनको खुद समझ में आ जाएगा. नंबर 6, डोंट टेल हर व्हाट टू डू. आफ्टर रिजेक्टिंग हर प्रपोजल उन्हें एडवाइस मत दो कि अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो या करियर पे फोकस करो, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू अचीव और यू विल फाइंड समवन बेटर. ऐसे फालतू की बातें मत करना. रिजेक्शन से हर्ट हो ना हो लेकिन ऐसी बातों से ज़रूर हर्ट हो जाएंगी वो. सो टेक केयर ऑफ हर एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. और मेरा भी कोई ख्याल रख लो यार. वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कर दो प्लीज़. और कल से मेरा वैलेंटाइन वीक का डेली पब्लिशिंग शुरू होने वाला है. सो बेल आइकॉन प्रेस कर लो ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिले. एंड फरवरी मंथ शुरू हो चुका है, ई मेरा बर्थडे मंथ. तो सेंड मी योर क्वेश्चंस बाय यूजिंग हैशटैग #AskMayu ताकि 25 को जब वीडियो अपलोड हो तो आपके क्वेश्चंस हो मेरे पास. वैसे तो काफ़ी सारे हो भी चुके हैं. सो थैंक यू फॉर आस्किंग दोज स्वीट क्वेश्चंस. बट और भी पूछो ताकि और भी ज़्यादा अच्छा बने वीडियो. एंड मीट मी ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक. लव यू ऑल.